हमारे पिछले 9 साल से लगातार स्पोर्ट्स डे हो रहा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे ही तवज्जो देता है और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसका जिस्म तंदुरुस्त नहीं रहता। तो स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चा सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करे जिसकी वजह से उसका दिमाग भी तरोताज़ा रहे और बॉडी भी तरोताज़ा रहे। हमारा स्कूल बहुत सारे इवेंट्स करता है, हम एनुअली स्पोर्ट्स डे करते हैं जिसमें हर इस क्लास का बच्चा पार्टिसिपेट करते हैं और इससे क्या होता है कि लोगों में कंपटीशन उजागर होता है, कंपटीशन से बच्चों में जीतने की सलाहियत, हारने की सलाहियत। देखिए हारना भी बहुत ज़रूरी है, ये सीखना कि
कि एक बच्चा जब रेस में भागता है तो सब नहीं जीतते, कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं, लेकिन जो हार जीतते नहीं हैं उनमें भी ये सीखने हम उनको सिखाते हैं कि ये भी लाइफ का हिस्सा है। तो बहरहाल हमारे तकरीबन आज के इवेंट में 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद थे। सुबह 7:30 बजे हमने बच्चों को बुलाया था और 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और 11:30 बजे एग्जैक्ट ख़त्म हो गया और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और मैं खुश नसीब हूँ शायद उन लोगों में से हूँ जिनका स्टाफ बहुत अच्छा है। हमारे ये सारा जो शो हमने देखा ये स्टाफ की उन्होंने मिन्नत है, उन्होंने बहुत मेहनत की और पेरेंट्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, वक्त पे ले आए वक्त पे लेके गए और उनका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अपने स्टाफ का भी शुक्रगुजार हूँ और इस UBL के कॉम्प्लेक्स के जो करते धरता है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 9th एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये हम हर साल ये स्पोर्ट्स डे करवाते हैं जिसमें हमारे आज के प्रोग्राम में मैट्रिक स्ट्रीम का ये था, इसमें हमारे तकरीबन 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन थी। वो डे होता है जिसका बच्चे पूरे साल इंतज़ार करते हैं बिकॉज इनमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अरबिक सीखने की, रेसेस की, अदर डिस्प्लेज होते हैं। तो बच्चों के लिए ये इवेंट बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एजुकेशन का एक पार्ट है जिससे वो अपनी माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। सो इट वॉज माशाल्लाह वेरी गुड इवेंट एंड द पेरेंट्स आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग अलॉट। नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट डेज होना चाहिए, बच्चों में माशाल्लाह कॉन्फिडेंस आता है इसमें और बच्चों की एक्टिविटी अच्छी रहती है। होना चाहिए, हर साल होना चाहिए और बच्चों को, सारे माँ बाप को, मैं तो पेरेंट्स को बोलती हूँ कि करना चाहिए, वो उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। पेरेंट्स की भी हो जाती है, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा मज़ा आता है बिल्कुल।